Hello everyone, I hope you all are fine and studying very well. I am Rahul Raj from IIT Dharwad, present over there to give you some tips that how can you score 95 plus marks in फिजिक्स क्लास 12। इस वीडियो पे मैं 10,000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ ताकि जैसे ही वो 10,000 लाइक पूरा हो तो मैं सेकंड वीडियो डालूँगा हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। मैं खुद 92 मार्क्स फिजिक्स के क्लास 12 बोर्ड में मैंने लाया था और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स स्कोर किया था उनके कुछ एक्सपीरियंस को मैंने ऐड करके ये इस वीडियो को बनाया है। इसमें मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च करके बनाया, तो आपको इससे बेहतरीन वीडियो फाइंड कहीं नहीं होगा, आप कहीं नहीं फाइंड कर पाइएगा। तो इस वीडियो में जितनी भी बात बताई जाए उसको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे स्कोर कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को कंसिडर करता हूं कि इस टारगेट को अचीव करने में 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स में अचीव करने के लिए आपको 1 ईयर चाहिए। 1 ईयर आपको मिलता ही है क्लास 12 में, लेकिन अब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपके पास 9 मंथ्स रिमेनिंग है। और 3 मंथ्स आपको कहीं कहीं वेस्ट हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया तो आप ठीक से 3 मंथ्स तक फोकस नहीं कर पाए, इसलिए मैंने 3 मंथ्स को डिडक्ट करके और 9 मंथ्स का टारगेट लिया है। मैक्सिमम ये जितने भी स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा वो उन बच्चों के लिए जिनके पास मैक्सिमम 9 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर टाइम है और मिनिमम 6 मंथ टाइम है अपने, ताकि वो 6 मंथ डेडिकेट कर सके प्रिपरेशन के लिए क्लास 12 बोर्ड के लिए। अगर इससे कम टाइम है, 6 मंथ से कम टाइम है, 6 मंथ से ज़्यादा आपने वेस्ट कर दिया, आपने 7 मंथ वेस्ट कर दिए, तो फिर ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं होगा। जितने भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है NCERT बुक को फॉलो करना है। मैं बुक्स के लिस्ट बता रहा हूँ, जिन बुक्स को आपको फॉलो करना है प्रॉपरली फॉलो करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। NCERT बुक होता सबके पास है, लेकिन उसको पढ़ने का एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसको आपको देखना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मैं आप लोग को वो स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कैसे NCERT बुक को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि NCERT बुक लिया, जैसे कि ये चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया मैंने। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, मतलब कोई एक उसमें एक टॉपिक पढ़ा मैंने, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ते हुए मुझे कुछ लाइंस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, XYZ यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, इन इतने में से मुझे ये 2 लाइन लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन ये मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगे तो इनको मैं क्या करूँगा अंडरलाइन कर लूँगा, ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। 10 लाइन पढ़े, 10 लाइन में से मुझे 2 लाइन्स ऐसे लगे जिन्हें मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे मैं अंडरलाइन कर लूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बार जब भी NCERT को पढ़ने आऊँगा तो इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, उस 2 लाइन को पढ़ना है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि अपना टाइम सेव हो सके। अगर किसी भी चैप्टर को लेट्स से मैंने ले लिया कि लेसन 1 को फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, 6 आवर्स लगे, 6 आवर्स लगे फर्स्ट टाइम पढ़ने में, 6 to 8 आवर्स, मैंने 8 आवर्स को कंसिडर कर लेता हूँ। फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में अगर आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम में 8 आवर्स लगे, तो अगर दूसरी बार आप जब रिविज़न करते हो तो उसको 50% टाइम में कंप्लीट करना कि आपको 4 आवर में उसको कंप्लीट करना होगा। अगर आपको 4 आवर से ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और पहली बार में आपको चैप्टर समझ। मेजर इंपॉर्टेंट बात मैंने पॉइंट 1 ले लिया, पॉइंट 2 क्या लिया कि उसमें जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, NCERT बुक्स में जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग क्या करना है, सबसे पहले उसे ही करना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल को। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बैक एंड एक्सरसाइजेज जो है NCERT के चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज उसको अपने को कंप्लीट करना है। और उसको कम से कम 2 बार करना है। चैप्टर एंड एक्सरसाइज को कितने बार करना है? कम से कम दो बार करना है। ये हो गया अपना एनसीईआरटी कंप्लीट। अब एनसीईआरटी को कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे बुक को जिसको हम लोग लेना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना है। जैसे कि अरिहंत का पास्ट 10 ईयर्स का जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आता है उसे अपने को ले लेना है। अरिहंत पब्लिकेशन का आता है और भी बहुत पब्लिकेशन का आता है। मैं आपको अरिहंत पब्लिकेशन का रिकमेंड करूँगा। जो अरिहंत का पास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आता है उससे अपने को ले लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वो यही है। या फिर जो भी चैप्टर लो, मैंने ले लिया कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने लिया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये चैप्टर वाइज यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन दिए रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेट से मेरे पास 180 क्वेश्चंस हुए। लेट से मेरे पास 80 क्वेश्चंस हुए पूरे पिछले 10 ईयर्स में 80 क्वेश्चंस हैं। मैं सब ले लेता हूँ, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, सबको ले लिया और अबाउट 80 क्वेश्चंस हैं। लेट से 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर 80 क्वेश्चन नहीं आएंगे 50 क्वेश्चन ले लेते हैं कि 50 क्वेश्चन हैं, लेट से 50 क्वेश्चन हैं। तो 50 क्वेश्चन में से मैंने पहली बार अटैम्प्ट किया। इस पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लिया, जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं उस नोट्स को भी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लिया ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। तो उसको लिया और मैंने पहले 50 क्वेश्चन को किया। इन 50 क्वेश्चन को करने के बाद मुझे क्या एनालिसिस हुआ कि मैंने बस 30 क्वेश्चन ही कर पाए और 20 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए। तो इन जो 20 क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है जो आपको सिखाने वाले हैं। बाकी इन 30 क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अब ये आप खुद अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सॉल्व कर लिया तो बाद में भी इसको सॉल्व करें। अब ये 20 क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को सर्कल करके रखना है। अब दूसरी बार जब हम लोग इस बुक को फिर से सॉल्व करेंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बस अब 20 क्वेश्चन को करेंगे। फिर इन 20 क्वेश्चन को किया दूसरी बार तो अपने से 15 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन क्या हो गए, रिमेनिंग रह गए जो अपने से नहीं हो पाए। अब थर्ड टाइम जब हम लोग इस बुक को फिर से करेंगे तो तीसरी बार इस बुक के बस 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो पहली बार अगर इस बुक को के पहले जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करने में जो मुझे 6 आवर्स लगे, दूसरी बार वही मुझे क्या लगे, 2 आवर्स लगे और तीसरी बार मुझे 30 मिनट्स में मैंने कंप्लीट करके चला गया। यानी कि अगर दूसरी बार भी 6 आवर्स लगते और तीसरी बार भी 6 आवर्स लगते तो टोटल 18 आवर्स लगते। अभी मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया, 6 to 8 एंड 8 आवर्स 30 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। और अगर ऐसे मैं करता ट्रेडिशनल तरीके से तो मुझे कितने लगते, 18 आवर्स के आसपास लगते। तो अबाउट मैंने 9 आवर्स 30 मिनट सेव कर लिए अपने। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है उसको करना है। इतना कर लेने से एनसीईआरटी और पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेने से आपके 90 मार्क्स सिक्योर हो गए। एक अप्रोक्सीमेट लिखता हूँ, 85 टू 90 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। इतने मार्क्स तो आपको आ जाएंगे। अब रहा 10 नंबर और कहाँ से आएगा। तो उन 10 नंबर के लिए मैंने कहा ना कि आपके जो 10 नंबर हैं, जो रेस्ट 10 नंबर है, 90 से 100 तक का जो सफ़र है ना वो बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल तो होगा ना, थोड़ा सा टिपिकल है। अब जो बुक का नाम मैं बता रहा हूँ उसको फिर से आपको नोट करना है ताकि हम लोग 90 से 100 तक रीच कर पाएँ। ये थर्ड बुक है आपके पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस बुक को कम से कम 2 बार करना होगा। पूरे बुक को अपने को कम से कम 2 बार करना होगा या फिर आपको कम से कम 2 बार करना होगा। और वही पुराना टेक्निक, पहली बार हम लोग पूरे क्वेश्चन को करेंगे, सेकेंड टाइम में जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया बस उन्हें ही करेंगे। तो कम से कम इस पूरे बुक को 2 बार करेंगे तब हम लोग ये कह सकते हैं कि इन तीनों के मिल जाने से इन तीनों के मिल जाने से हमारे 100 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। 100 मार्क्स क्या हो गए, सिक्योर हो गए। और ये गारंटीड है कि 100 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो। अगर एग्ज़ाम में आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं फिर भी आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे 100 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करना होगा। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्या होगा कि आप मॉक पेपर्स दो, एक मॉक पेपर्स खरीद लो, अरिहंत का मॉक पेपर्स खरीद लो या फिर जो भी पब्लिकेशन का आपको मॉक पेपर्स लेना है तो आप मॉक पेपर्स दो। एक स्टूडेंट को मिनिमम कितने मॉक पेपर्स देने चाहिए, तो कम से कम 10 मिनिमम 10 मॉक पेपर्स देने चाहिए, और वो भी 3 आवर्स वाले। 3 आवर्स वाले कम से कम 10 मॉक पेपर आप दोगे, फिर आप अपने टाइम, जो टाइम कॉन्स्टेंट है कि आपके से क्वेश्चंस टाइम पे नहीं हो पा रहे थे तो आपके आपसे वो क्वेश्चन टाइम पे होने लगेंगे और फिर ये सब बातें सही हो जाएंगी, फिर आप 100 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन अबाउट इसके अबाउट में 98 to 100 आप पहुंच जाओगे अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इसको मैंने कहा 3 टाइम्स, इसको कहा मैंने 2 टाइम्स, और इसको आप मिनिमम 2 बार रीड कर लेना। अब जो 4th है वो 2 बुक्स हैं, इन दोनों बुक में से किसी एक को फॉलो करना है। एक है S.L. अरोरा या तो मॉडर्न ABC, इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को फॉलो करना। क्यों करना है इन दोनों बुक में से किसी एक को, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। दोनों बुक आप कभी फॉलो कर नहीं सकते, अपने पास कम से कम 5 सब्जेक्ट है, 5 पे टाइम देना है। इन दोनों को पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इन दोनों में से किसी एक को पढ़ना है। और किस लिए पढ़ना है, अगर मैंने क्या किया कि लेट से मैंने कोई एक चैप्टर पिक किया NCERT से, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पिक किया X, और ये X टॉपिक जो है ये मुझे समझ में नहीं आया। NCERT को मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा फिर भी नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूँगा, उसका डीप एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मैं क्या इस बुक को लूँगा और सेम टॉपिक इस बुक में सर्च करूँगा। अब इस बुक में सर्च करने के बाद मुझे दिखेगा कि ये वही पर्टिकुलर टॉपिक एक एक्सप्लेन्ड मैनर में दिया हुआ है, और उसको रीड करने के बाद मुझे समझ में आ गया, तो फिर मेरा वो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि डीप में मैंने पढ़ा है। तो इस बुक का बस यही यूज़ है कि अगर किसी टॉपिक में NCERT में फंस गए तो उसके डीप एक्सप्लेनेशन के लिए इस बुक को रखना है। इस बुक को न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना है या फिर कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है, बस इसको इसलिए यूज़ करना है ताकि NCERT के जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उसको बस समझने के लिए इसको करना है। तो इतने बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ये कह सकते हो कि आप 95+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जितने भी बुक्स मैंने लिखे हैं इन सब बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिंक पे क्लिक कीजिए और बाय कीजिए, और आपको सब बुक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो का जो टारगेट है वो 10,000 लाइक्स का है, आई होप आप लोग उसको पूरा कर देंगे ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेकेंड वीडियो लाऊँ। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बहुत रिसर्च किया, अपने सारे फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उनके व्यूज़ जाने, फिर अपनी व्यू को उसमें मर्ज किया। इन सब व्यू को मर्ज करने के बाद एक एक्सपीरियंस का जो बंडल तैयार हुआ ना, उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन में डिटेल किया है। मैंने खुद में 92 मार्क्स लाए हैं और बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जो 90+ मार्क्स लाए हैं, उनसे मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद इस वीडियो को मैंने बनाया। तो आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप लोग मैंने जितनी भी बातें बताएं उनको एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो लिटरली बता रहा हूँ 95+ मार्क्स आपके आ सकते हैं। 95+ मार्क्स आपके आ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए यार। देखिए आप लोग के लिए मैं कितना अच्छे लेवल का वीडियोस लाता हूँ, बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।